नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। देखिए, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई एचआर में। और आपको बता दें, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा जो रामलीला का मंचन होने जा रहा है, उसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। हमारे साथ कमेटी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम अध्यक्ष आनंद भाटी से और जानेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। सर, 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें रामलीला का मंचन की, तो कब से कब तक शुरू होने वाला है ये? आज भूमि पूजन हुआ है, आज तो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंचन चलेगा। 12 अक्टूबर को ही दशहरा महोत्सव कार्यक्रम है, तीनों पुतलों का दहन होगा। तो ये और इस बार की जो रामलीला है, एनचार में सबसे बड़ी रामलीला होगी। ऐसा मंचन होगा कि ऐसा मंचन एनचार में कभी नहीं हुआ। इस बार हम मंचन में नई तकनीकी अपना रहे हैं, जो हमेशा सेट्स का उपयोग करते थे, सेट्स की जगह हम इस बार LED का उपयोग कर रहे हैं। कम से कम 2250-2300 फुट एरिया जो LED लगेंगे, तो सेट्स की जगह अच्छा वो काम LED काम करेंगे। लाइट और साउंड और LED के माध्यम से रामलीला मंचन होता है। और मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण ये इस बार जो हम मेन हमारा LED का है, जो पहले हम लाइट और साउंड का रहता था हमारा, इस बार LED का प्लस हो गया था। लाइट साउंड और LED के माध्यम से लीला होगी। कितने कलाकार आने वाले हैं? कम से कम 100 कलाकार रहते हैं। इस बार कलाकार पहले से बड़े हैं। और क्या कहना चाहेंगी मैम, ममता मैम, आप व्यवस्थाओं को लेके? मैं व्यवस्था को लेके, हमारे अध्यक्ष जी की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, पूरी कमेटी मेहनत करती है। और सबसे ज़्यादा हमारा दानदाता है ना, हमारा सहयोग करता है। और मैं दानदाताओं के लिए यही कहना चाहूँगी मंच के माध्यम से, कि वो भगवान दिन दूने रात चौगुने ऐसी तरक्की करते रहें और राम की लीला में हमारा हमेशा सहयोग करते रहें। और मीडिया, अगर मीडिया ना होगी ना, तो हमारी रामलीला का मंचन अधूरा रह जाएगा। मैं मीडिया बंधुओं से, अपनी बहनों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय होता है, और आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रामलीला रोज़ आएँ, रोज़ देखें और अपना सहयोग ऐसे ही हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे धार्मिक रामलीला के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैडम, मैसेज यही है कि सन 2010 से लेकर आज तक, सबसे पहले तो मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ अंबानी साहब को, हमारे पूरी कवरेज करते हैं मंचन का, भूमि पूजन का, और समय समय पे हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बातें बिना मीडिया के हम संगठन कुछ भी नहीं कर सकते। बात है, हमारी कमेटी का पूरा आभार धन्यवाद रहता है। बात सब जुड़े रहते हैं, और इस बार महाराज जी स्पेशल कुछ लाने वाले हैं। हाँ, तो वही तो विशेष विशेष क्या रहेगा इसमें? मुझे LED का ही उसमें कंसेप्ट है। बात है, उन्होंने एक बार वहाँ किया, जोधपुर में किया महाराज जी ने, तो वही महाराज जी लाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर महाराज अयोध्या में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। बात देखिए, 3 अक्टूबर से यहाँ रामलीला मंचन का जो आयोजन है किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आज हवन के साथ, विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया है। हम उम्मीद करेंगे आप श्री धार्मिक रामलीला में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और जो यहाँ सुंदर मंचन होता है उसको देखेंगे, और श्री राम भगवान का जो चरित्र है उनको अपने आचरण में जरूर उतारेंगे। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।